हल्द्वानी के बंद भूलपुरा में 8 फरवरी की हुई हिंसा के बाद से वहां पर कर्फ्यू अभी भी लागू है। वही जिला प्रशासन द्वारा दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है, लेकिन शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अभी भी कर्फ्यू जारी है। बता दें कि कर्फ्यू के बीच जनजीवन सामान्य हो चला है। विगत समय से बंद दुकान खुलने से लोगों को अब राहत मिलने लगी है। इसके साथ ही इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है, लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। सिटी मजिस्ट्रेट रिचा सिंह का कहना है कि हालात इसी तरह सामान्य रहे तो कर्फ्यू पूर्ण रूप से हटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों की समस्याओं को देखते हुए वहां पर सभी विभागों के अधिकारियों को भी तैनात किया गया है, जिससे कि लोगों अपनी समस्याओं को अवगत करा सके। इसके साथ ही मलिक के बगीचे के आसपास के क्षेत्र में 100 मीटर के परिधि में अभी भी कर्फ्यू जारी है। इसके तहत ही किसी भी व्यक्ति को वहां पर आने जाने पर प्रतिबंध है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, नाइट कर्फ्यू इस क्षेत्र में लागू है। शांतिपूर्वक सारी स्थिति है और सभी दुकानें खुली हुई हैं, लोग अब आराम से आ जा रहे हैं। इसके अलावा जो वो स्थल है जिसे मलिक का बगीचा, उसके आसपास जो कर्फ्यू लगा हुआ है वहाँ पर भी सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। किसी को कोई समस्या है, उसमें अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं, उसे दूर किया जा रहा है। और इसमें हमारे जो शहर के इसमें इमाम साहब लोग हैं, जो मौलाना साहब लोग हैं, उन्होंने भी अपील करी है सभी लोगों ने। सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, ये स्थिति रही है तो शीघ्र ही उच्चाधिकारी इसमें हमें दिशा निर्देश देंगे और इस कर्फ्यू को आगे हटाया जाएगा।